हेलो मेरे भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और अनोखे कंपैरिजन वीडियो में। और आज हमारे पास दो बेहतरीन लैपटॉप्स अंडर 70,000 रुपीस, ये खेल लेने वाले आईडियापैड गेमिंग 3 और ये खेल अपने पास डेल G15520। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं एक झलक दुर्वी लैपटॉप के क्विक स्पेसिफिकेशंस की ओर। लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 आता है विद इंटेल कोर i5-12450H प्रोसेसर के साथ में, जो कि 4P कोर एंड 4E कोर के साथ में आता है। यहाँ पे 16GB का DDR4 रैम दिया गया है, 512GB NVMe Gen 3 SSD दिया गया है और यहाँ पे NVIDIA RTX 3050 GPU मिलता है, जो आता है 85W TGP के साथ में। इन सेम टाइम अगर हम डेल की बात करें तो ये लैपटॉप आता है विद इंटेल कोर i5-12500H प्रोसेसर के साथ में, जिसमें आपको 4P कोर एंड 8E कोर देखने को मिल जाएगा। इन सेम टाइम यहाँ पे DDR5 का रैम दिया गया है 16GB, 512GB NVMe Gen 3 SSD मिल जाएगा और इसी के साथ यहाँ पे दिया गया है NVIDIA RTX 3050 GPU, जो आता है 95W TGP के साथ में। तो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ कन्फिग्रेशन डेल G15 स्लाइटली बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे 4 कोर्स एक्स्ट्रा मिलेगा और यहाँ पे DDR5 का रैम भी दिया गया है और यहाँ पे 95W का TGP भी दिया गया है। इन द सेम टाइम अगर हम डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में मिलते हैं 15.6 इंच का डिस्प्ले। दोनों ही लैपटॉप आता है 45% NTSC 2 minutes ब्राइटनेस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। बट मेन डिफरेंसेस यहाँ पे ये है कि लेनोवो में दिया गया है IPS डिस्प्ले, जबकि डेल आता है WPA डिस्प्ले के साथ में। एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं IPS डिस्प्ले ज़्यादा बेटर दिखता है एज कम्पेयर टू WPA डिस्प्ले। इसी के साथ अगर हम कीबोर्ड की ओर देखें तो डेल G15 में दिया गया है ऑरेंज कलर का बैकलिट कीबोर्ड। इन द सेम टाइम लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 आता है विद अ व्हाइट कलर बैकलिट। अदर देन दिस सभी कन्फिग्रेशन दोनों लैपटॉप का ऑलमोस्ट सेम है, चाहे हम पोर्ट्स की बात करें या फिर कनेक्टिविटी की बात करें। दोनों लैपटॉप पे ब्लूटूथ 5.2 एंड Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है। ज़्यादा जानकारी चाहिए दोनों लैपटॉप के बारे में, बिल्कुल डिवाइस एंड पोर्ट्स के बारे में, तो मेक श्योर हमारे वेबसाइट से आप विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां दोनों लैपटॉप के बारे में ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन साइड बाई साइड देखने को मिल जाएगी। वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था आपको मैं दिखाऊं कि परफॉर्मेंस वाइज कौन सा लैपटॉप बेटर परफॉर्म करता है और कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। चलिए सबसे पहले एक झलक डालते हैं उन लैपटॉप की बेंचमार्क स्कोर्स की ओर। तो सबसे पहले हमने रन किया सिनी बेंचमार्क टेस्ट और ये रहा साइड बाय साइड रिजल्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेल जी फिफ्टीन में मिला था हमें सिंगल कोर स्कोर 1257 एंड मल्टी कोर स्कोर एस 13120। इन द सेम टाइम लेनोवो पर हमें मिला सिंगल कोर स्कोर 1667 एंड मल्टी कोर स्कोर 8460। तो कहीं ना कहीं सिंगल कोर स्कोर लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 पे ज़्यादा बेटर मिल रहा है हमें, जबकि मल्टी कोर स्कोर हमें डेल जी फिफ्टीन पर बेटर देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा कोर्स अवेलेबल है। अदर देन दिस बाकी सभी बेंचमार्क स्कोर में साइड बाई साइड शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप वीडियो को पोस्ट करके सभी बेंचमार्क स्कोर्स को रीड कर सकते हैं। फिलहाल अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस कौन सा लैपटॉप बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दो ही लैपटॉप को हमने परचेस किया है सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, अगर आप सच में हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर मेरे भाई दोनों ही लैपटॉप पैसे जो भी लैपटॉप लेना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके बाय कर लीजिएगा। हमारे लिंक चलेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और लैपटॉप आपको सबसे सस्ते दाम में भी मिल जाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले हमने रन किया स्ट्रे एट हाई सेटिंग खेलने पर डेल G15 में मिला था हमें 115 FPS, जबकि लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 में मिला था 112 FPS। ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ FPS दोनों ही लैपटॉप पर देखने को मिलते हैं, देर इज नॉट ए ह्यूज डिफरेंसेस। नेक्स्ट हमें ट्राई किया डेज गॉन एट वेरी हाई सेटिंग खेलने पर, अगेन दोनों ही लैपटॉप हमें सेम FPS देखने को मिला, जो कि है अराउंड 59 FPS। Forza Horizon 5 एक्सट्रीम सेटिंग पे खेलने पर यहाँ पर डिफरेंसेस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। डेल पे मिला हमें अराउंड 29 FPS, जबकि लेनोवो निकाल के दे रहा था अराउंड 36 FPS। एट द सेम टाइम जब हमने हाई सेटिंग पे दोनों गेम को खेला तो ऑलमोस्ट सेम 115 FPS के आसपास दोनों ही लैपटॉप में हमें एवरेज स्कोर देखने को मिल गया। वाइल्ड प्लेइंग गॉड ऑफ वॉर एट अल्ट्रा सेटिंग डेल पे मिला हमें 46 FPS का एवरेज स्कोर, जबकि लेनोवो निकाल के दे रहा था अराउंड 51 FPS। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लेनोवो स्लाइटली बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमें ट्राई किया शेडो ऑफ टॉम राइडर एट हाईएस्ट सेटिंग्स, डेल में मिला था हमें 103 FPS, जबकि लेनोवो निकल कर दे रहा था एवरेज स्कोर ऑफ 90 FPS। तो यहाँ पर स्लाइटली कहीं ना कहीं डेल बेटर परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमें ट्राई किया GTA 5 एट वेरी हाई सेटिंग्स, दोनों ही लैपटॉप पे आराम से आप अबव 120+ FPS पे गेम को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा गेम है जहाँ पे FPS कभी फिक्स नहीं होता, कभी 100 FPS कभी 130 FPS। बट अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो कहीं ना कहीं लेनोवो पे हमें एवरेज स्कोर मिला था 120, जबकि डेल G15 निकाल दिया था 130 FPS। वाइल प्लेइंग गौतम नाइट्स अगेन यहाँ पे डेल पे मिला था हमें 58 FPS का एवरेज स्कोर, जबकि लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 पे मिला था हमें अराउंड 54 FPS का एवरेज स्कोर। देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंसेस एट ऑल। While playing Far Cry 6 at ultra setting, again दोनों ही लैपटॉप पे almost same FPS हमें देखने को मिला, that is around 66 to 67 FPS. While playing Spider-Man Miles Morales, यहाँ पर भी very high setting में आपको differences काफी ज़्यादा देखने को मिलता है।
डेल पे मिला हमें एवरेज स्कोर ऑफ 36 FPS, जबकि लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 पे मिला था हमें 50 FPS, जो कि काफ़ी बेटर रिजल्ट शो कर रहा है कंपेयर टू डेल G15। एट द सेम टाइम जब हमने हाई सेटिंग पे ट्राई किया तो दोनों ही लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम FPS देखने को मिला, डेट इज अराउंड 59 to 62 FPS, वाइल पेइंग रेड डेड रिडेम्पशन 2 एट फेवर क्वालिटी, जो कि इस गेम का मैक्सिमम सेटिंग है। यहाँ पर भी अगेन दोनों ही लैपटॉप पे ऑलमोस्ट सेम FPS देखने को मिलता है, डेट इज अराउंड 63 to 64 एवरेज स्कोर। नेक्स्ट में ट्राई किया साइबर पंक, अल्ट्रा सेटिंग खेलने पर दोनों ही लैपटॉप पर ऑलमोस्ट सेम स्कोर देखने को मिला, डेट इज अराउंड 28 to 30 FPS। सेम गेम को जब मैंने लो सेटिंग पे ट्राई किया तो डेल पे मिल रहा था हमें 58 FPS, जबकि लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 निकाल दे रहा था हमें अराउंड 68 FPS। एट डी एन हमें ट्राई किया वेलोरेंट एट हाई सेटिंग्स, तो यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। डेल पे मिल रहा था हमें 275 FPS और लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 निकाल दे रहा था अराउंड 239 FPS, तो कहीं ना कहीं इस वेलोरेंट पे स्लाइटली डेल यहाँ पे बेटर परफॉर्म करते हुए नजर हमें आ रहा है। तो जैसे कि आपने देखा वाई प्लेइंग गेम्स, दोनों ही लैपटॉप पे सारे के सारे गेम्स वेरी इजीली प्लेबल है, बट कहीं ना कहीं मुझे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस नजर आया ऑन लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3। दिस इज बिकॉज यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर का परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। इन द सेम टाइम अगर हम थर्मल्स की बात करें तो थर्मल्स कहीं ना कहीं मुझे डेल का बेटर लगा, मैक्स टू मैक्स 80 to 85 डिग्री के आसपास चलाता है थर्मल वाइल प्लेइंग गेम्स, जबकि लेनोवो का टेम्परेचर 85 डिग्री के आसपास ही रहता है, बट कभी कभी ये 95 डिग्री तक रीच हो जाता है। इन द सेम टाइम अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो लेनोवो आईडियापैड पे मिलता है हमें अराउंड 3.5 से 4 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप, जबकि डेल पे मिला हमें लगभग 4.5 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ प्रोस ऑफ बोथ ऑफ दिस लैपटॉप, जिससे आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी। एक चीज़ में पहले कन्फर्म कर दूँ, जो प्रो फीचर्स मैं लेना हुआ बताऊंगा समझ लेना, या तो डेल पे वो मिसिंग है या तो वहाँ पे स्लाइटली लो परफॉर्मेंस मिलेगा। एट द सेम टाइम जो प्रो फीचर मैं डेल पे बताऊंगा समझ लेना, या तो लेनोवो मिसिंग है या फिर उसका परफॉर्मेंस स्लाइटली यहाँ पे लो मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र प्रो फीचर्स ऑफ लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 पे। लेनोवो आईडियापैड गेमिंग 3 में बस दो चीज़ अच्छे हैं, एक तो यहाँ पे IPS डिस्प्ले दिया गया है जो कंपेयर टू डेल G15 बेटर है, और इसी के साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा SSD का स्लॉट दिया हुआ है, तो इन फ्यूचर अगर आप स्टोरेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पॉसिबल है। इन द सेम टाइम अगर हम डेल G15 के प्रो फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इंटेल कोर i5-1500H प्रोसेसर, जिसमें 4 एक्स्ट्रा कोर्स दिया गया। अगर आप कोडिंग प्रोग्रामिंग वाले काम ज़्यादा करते हैं, मल्टीटास्किंग वाला काम ज़्यादा करते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेल G15 बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे DDR5 का रैम दिया गया है और इसके रैम को आप अप टू 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इन द सेम टाइम डेल पे हमें स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप भी देखने को मिलता है, यहाँ पे मक्स स्विच भी दिया गया है, और एट द एंड इस पे जो टाइप सी का पोर्ट दिया गया है उससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी निकाल सकते हैं, जबकि लेनोवो के टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट निकाल नहीं सकते। तो वह सही था साइड बाय साइड कंपेरिजन बिटवीन बोथ ऑफ दिस लैपटॉप। अब डिसीजन आपका है, जो लैपटॉप लेना चाहो आप ले सकते हैं, बट मिक्सर मेरे भाई लैपटॉप को हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ही बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और लैपटॉप आपको सबसे सस्ते दाम में भी मिल जाएगी। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना और जाते जाते एक घंटे को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।